राहुल गांधी की न्याय यात्रा बनी कांग्रेस छोड़ो यात्रा। 25 सांसदों और विधायकों ने छोड़ी कांग्रेस। नहीं चली राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल चुकी है। इससे देश अब कांग्रेस मुक्त भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जब से राहुल ने न्याय यात्रा शुरू की है, तब से अब तक पार्टी के 2 दर्जन से अधिक पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और दिग्गज नेता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को गुजरात पहुँचने वाली है। उससे पहले 4 मार्च गुजरात के दिग्गज नेता और विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। इन कांग्रेस को रोज एक ना एक झटका लग रहा है। उसके नेता कब उसका साथ छोड़ दें पता नहीं चलता। कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी जो हलचल है वह हाल फिलहाल से नहीं है, बल्कि गांधी परिवार के अहंकार और अंतर्कलह की वजह से काफी सालों से है। कभी राहुल गांधी के आसपास ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, आरबीएन सिंह, जितिन प्रसाद समेत अन्य युवा नेता दिखते थे, लेकिन राहुल के अहंकार की वजह से ये सभी नेता कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों का साथ छोड़ चुके हैं। इस वीडियो में पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेसियों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या राहुल गांधी इस बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़ने वाले 25 नेता। अरुणाचल प्रदेश से निनांग एरिंग, वांगलिंग लोवांग डोंग, असम से अपूर्वा भट्टाचार्य, राणा गोस्वामी और बिस्मिता गोगोई, बंगाल से कौस्तुभ बागची, बिहार से सिद्धार्थ सौरभ, मुरारी प्रसाद गौतम, झारखंड से गीता कोड़ा, उड़ीसा से निहार रंजन, छत्तीसगढ़ से प्रमोद शर्मा, विधान मिश्रा, अरुण सिंह सिसोदिया, उपेंद्र सिंह, राजस्थान से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राकेश मावई, मध्य प्रदेश से दिनेश अहिरवार, गुजरात से नारायण राठवा, सीजे चावड़ा, चिराग पटेल और अर्जुन मोढवाडिया, महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी, बसवराज पाटिल और मिलिंद देवड़ा।